नमस्कार, मैं श्रीमती शोभा माहेश्वर, असिस्टेंट प्रोफेसर एचओडी होम साइंस, गवर्नमेंट माता शबरी नवीन गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। आज मैं बीए पार्ट टू होम साइंस पेपर सेकंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट यानी कला के तत्व के बारे में आपके समक्ष चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम कला का परिचय। कला क्या है? मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम कला है। कला व्यक्ति के विचारों और भावों को इस ढंग से अभिव्यक्त करती है कि उसे सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास एवं संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ये जीवन को उत्कर्ष एवं आनंद को अभिव्यक्त करती है। कला चाहे चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, संगीत कला हो, ये कलाकार के अंतरम भावनाओं को प्रकट करती है। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को कलात्मक विचारों के साथ अभिव्यक्त करता है, जिससे उसे मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जब किसी की दक्षता का उपयोग सौंदर्य एवं आकर्षण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे कला कहते हैं। कला के तत्व सात प्रकार के होते हैं। रेखा, लाइन, आकार, शेप, नमूना, पैटर्न, बनावट, टेक्सचर, रंग, कलर, प्रकाश, लाइट, खाली स्थान या ओपन स्पेस। रेखा चार प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली आती है लंबवत रेखाएं, जिसको वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। ये रेखाएं खड़ी होती हैं और इनसे लंबाई का आभास होता है। ये रेखाएं मस्तिष्क में सजीवता उत्पन्न करती हैं और गृह सज्जा में बेडशीट या पर्दे पर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी आती है आड़ी रेखाएं, या जिसको समतल रेखा भी कहते हैं, अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइंस कहा जाता है। ये स्थिरता का भाव उत्पन्न करती हैं और इस रेखा को चौड़ाई के आधार पर मापा जाता है या चौड़ाई का आभास इससे उत्पन्न किया जाता है। ये मन में शांति प्रदान करती हैं। अब इसमें आता है तिरछी रेखा, या जिसको डायगोनल लाइन कहा जाता है। ये अनुपम सौंदर्य की प्रतीक होती है और हमारे गृह सज्जा में तकिया, बेडशीट, कुशन कवर, गद्दियों, पर्दे, मेज पोश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है वक्र रेखा, या कर्व्ड लाइन जिसको कहा जाता है। वक्र रेखाएं प्रसन्नता, खुशी, आनंद, सौंदर्य और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती हैं। एक गृह सज्जा में इसका उपयोग विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आकार फर्स्ट आता है इसमें वर्गाकार। इसकी जो स्क्वायर बनता है वो चार एक समान रेखाओं से निर्मित होता है। दूसरा आता है रेक्टेंगल, या जिसको आयताकार आकार कहते हैं। तीसरा आता है इसमें त्रिभुजाकार, ये एक आड़ी और दो तिरछी रेखाओं के संयोजन से बनता है, जिसका उपयोग गृह सज्जा में किया जाता है। पंचभुजाकार, जिसमें पांच रेखाओं के समावेश से इसको बनाया जाता है। षटभुजाकार, जिसमें छह रेखाओं का समावेश है, और षटभुजाकार का उपयोग ज्यादातर गृह सज्जा में नहीं किया जाता। वृत्ताकार, इसका निर्माण दो वक्र रेखाओं के माध्यम से होता है और इसका उपयोग गृह सज्जा में सुंदरता, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मकान में जो खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, उसमें भी इसका उपयोग ज्यादातर देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि आकारों का मन के भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आकारों की विभिन्नता से देखने वालों के चित्त पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। जैसे आड़ी, समतल, आयताकार स्थल को देखने से स्थिरता और दृढ़ता का बोध होता है। वृत्ताकार स्थल देखने से हमको खुशी और प्रसन्नता और उत्साह का बोध प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर जो त्रिकोण या त्रिशूल बनाया जाता है,
वो देखने से ही हमें धर्म के प्रति आस्था और अध्यात्म का बोध होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आकार की विशेषताएं। आकार की विशेषताएं दो प्रकार की होती है, कार्यात्मकता और दूसरा वस्तु का उपयोग। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कार्यात्मकता। वस्तु का आकार केवल सौंदर्य वृद्धि के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उद्देश्य कार्यात्मकता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि रसोई घर में हम सभी आकर्षक वस्तुओं को और क्रियात्मक क्षेत्रों को निर्मित करते हैं। आपका प्लेटफॉर्म संगमरमर का होता है, बहुत आकर्षक होता है, लेकिन यदि गृहिणी को उस प्लेटफॉर्म में काम करने में या कार्य करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो वो कार्यात्मकता नहीं कहलाती। सेकेंड आता है वस्तु का उपयोग। वस्तु का उपयोग किसी भी वस्तु का उपयोग जब हम करते हैं तो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कई वस्तुएं रोएदार होती है, कई वस्तुएं चपटी होती है, कई छिद्रयुक्त होती है, दानेदार होती है, चट्टानी होती है, खुरदुरी होती है। साधारण भाषा में हम इसको बनावट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग भी हम अनुपम सौंदर्य मतलब ये आकारों का उपयोग भी हम सौंदर्य और उत्साह के लिए कर सकते हैं। तीसरा तत्व आता है नमूना, जिसको अपन डिजाइन कहते हैं। गृह सज्जा में नमूने का अलग ही एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और सामान्य बोलचाल के भाषा में नमूने से तात्पर्य है रेखाओं, आकार, स्वरूप, बनावट एवं रंगों के संयोजन से निर्मित एक विशेष प्रकार का मिश्रण या आकृति जिसमें सुंदरता और आकर्षकता होती है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है नेचुरल डिजाइन या जिसको बोलते हैं प्राकृतिक नमूने। जब नमूने में प्राकृतिक चित्रों का अंकन किया जाता है, जैसे पेड़ पौधे, तितलियां, पहाड़, नदी, तो उस प्रकार के नमूनों को हम प्राकृतिक नमूने कहते हैं। दूसरा नमूना आता है रिलीजियस डिजाइन या जिसे बोलते हैं धार्मिक नमूने। जब हम नमूने या डिजाइन में देवी देवताओं के चित्रों का अंकन करते हैं उस समय वो डिजाइन धार्मिक डिजाइन कहलाता है। तीसरा आता है ज्योमेट्रिकल डिजाइन या जिसको ज्यामितीय नमूने कहा जाता है। इस प्रकार के नमूने कलाकार अपनी कल्पना शक्ति, अपनी सृजन शक्ति के माध्यम से एक जब नई वस्तु को निर्मित करता है, जो आजकल आप बहुत देख रहे होंगे, जिसको सामान्य शब्दों में अंग्रेजी में फ्यूजन कहा जाता है, इस प्रकार के नमूने को हम ज्यामितीय नमूने कहते हैं। मिश्रित शैली युक्त नमूने मिक्स्ड स्टेनलाइज्ड डिजाइन, इस प्रकार के नमूने में एक प्रकार की निरंतरता प्रयोग की जाती है जिसमें एकांतता और नीरसता उत्पन्न हो जाती है। इसे दूर करने के लिए हम मिश्रित शैली के नमूने का उपयोग करते हैं, जिससे कि सृजन करने वाले व्यक्ति की कल्पना और प्रसन्नता का इसमें समावेश होता है। नेक्स्ट आता है आधुनिक या मॉडर्न डिजाइन के नमूने। आजकल इस प्रकार के नमूने काफी प्रचलित हैं। कलाकार अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी डिजाइन को बनाता है और चित्र में वो वस्तु स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट होती है, हम उस चीज को नहीं समझ सकते, लेकिन कलाकार की दृष्टि से जब हम उसे देखें तो वो एक तरीके का मॉडर्न आर्ट या आधुनिक डिजाइन निर्मित होती है। बनावट या टेक्सचर कला के तत्व का फोर्थ भाग। बनावट का अमूल्य योगदान होता है गृह सज्जा में, क्योंकि बनावट के माध्यम से हम आकर्षण उत्पन्न करते हैं। किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए बनावट का उपयोग करना जरूरी होता है। बनावट का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किया जाता है, इसे छूकर या देखकर महसूस किया जाता है, जैसे चिकनी सतह, खुरदुरी सतह, इस तरीके से इसका उपयोग
या कठोर वस्तुएं जिसके आधार पर हम छूकर इसका अनुमान लगाते हैं। बनावट का उपयोग गृह सज्जा में पर्दे, दरी, कालीन, फर्नीचर आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। पांचवा पॉइंट आता है रंग या कलर। रंग कला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि गृह सज्जा में रंग का महत्वपूर्ण स्थान है। रंग के बिना हम किसी भी नमूने की कल्पना तक नहीं कर सकते क्योंकि रंग का हमारे जीवन से गहरा संबंध है और जितनी सुंदर रंगीली वस्तुएं होती हैं या चीजें होती हैं वो हमें प्रसन्नता और उत्साहित करती हैं और हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जरा सोचें यदि हमारे जीवन में रंग का समावेश नहीं होता तो हमारे चारों ओर अंधेरा हो जाता है। ध्यान रहे कि सुंदर रंगों का उचित मेल बनाया जाए ताकि वो सुंदर और आकर्षक लगे। उटपटांग कलर्स का उपयोग करते हैं यदि तो उसकी आकर्षकता और प्रसन्नता और उल्लासिता खत्म हो जाती है। परिस्थिति, मौसम, समय, आकृति और वातावरण आदि के अनुसार ही हम रंगों के संयोजन का उपयोग करते हैं। रंग के बाद आती है बारी प्रकाश की। प्रकाश कला के तत्व में बहुत आवश्यक है कि बिना लाइट के हम किसी भी प्रकार के तत्वों का अवलोकन नहीं कर सकते, इसलिए प्रकाश की आवश्यकता इस तत्व में होती है। वैसे भी हमारे जीवन के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। प्रकाश दो तरीके से हम उपयोग में लाते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश, सूर्य के उगने के साथ हमें प्रकाश का अनुभव होता है और हम अपने दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करते हैं। रात में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था के द्वारा हम अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आता है खाली स्थान या जिसको ओपन स्पेस कहा जाता है। गृह सज्जा में ओपन स्पेस का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से रंग, आकार, नमूना, बनावट और प्रकाश का उपयोग गृह सज्जा में किया जाता है, वैसे ही शांति के भाव को प्रकट करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। कक्ष में पूर्णता और भव्यता लाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। कमरे में स्थान की रिक्तता, सादे कालीन, खाली दीवार एवं कम फर्नीचर को भी रखकर कर सकते हैं। विपरीत दीवारों में दर्पण, कांच का उपयोग करके कमरे को बड़ा या बृहद या भव्य दिखाया जा सकता है। भवन निर्माण में बरामदे, बालकनी या उद्यान सीढ़ियों के नीचे खाली स्थान रखकर उसमें आंगन के भाव का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। और खाली स्थान का उपयोग जब हम कला के तत्व में करते हैं तो उससे हमारे उपयोग में भव्यता आ जाती है। इसी के साथ मेरा आज इस विषय का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।